तो फाइनली गाइस हमारी गेम के अंदर स्पाइडरमैन को ऐड कर दिया गया है जैसा आप देख ही सकते हो, और मैं इसकी मदद से बिल्डिंगों पर भी चढ़ पा रहा हूँ जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो अगर आपको भी स्पाइडरमैन अपनी गेम के अंदर ऐड करवाना है तो वीडियो को पूरा देख लेना। और उसी के साथ साथ भाई आप देख ही सकते हो कि हमारी गेम के अंदर आइसक्रीम शॉप को ऐड किया जा रहा है, और ये भी बताऊंगा कि इस आइसक्रीम शॉप को कहां पर ऐड किया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि हमारी गेम के अंदर निशान जीडीआर को ऐड कर दिया गया है, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको निशान जीडीआर की फुल गेम प्ले वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे भाई, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना ताकि इंडियन माई ड्रीम 3D रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको निशान जीडीआर की गेम प्ले वीडियो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हमारी निशान जीडीआर काफी ज्यादा गेम के अंदर मस्त लग रही है। अब मैं आपको इसके अंदर बैठकर दिखा देता हूँ। जो कंट्रोल रहने वाले हैं बिल्कुल ही सेम रहने वाले जैसे बाकी व्हीकल्स के होते हैं। और क्या हम इस निशान जीडीआर का कलर चेंज कर सकते हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल ही कर सकते हो। मैं आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के इस वाले अपडेट के अंदर एड हुए न्यू चीट कोड्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप 9.9 डायल करोगे तो आपके सामने न्यू कार स्पॉन हो जाएगी, और जैसे आप 3001 को डायल करोगे तो आपके सामने बोर्ड देखने को मिलेगी। जैसे आप 51 को डायल करोगे तो आपके सामने टीरेक्स स्पॉन हो जाएगा, एंड जैसे आप 52 को डायल करोगे तो आपके सामने स्पाइनोसॉरस स्पॉन हो जाएगा, एंड जैसे आप 53 को डायल करोगे तो आपके सामने शाकाहारी डायनासोर आ जाएगा। ये तीनों ही हमारे गेम के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई देते हैं। अब मैं आपको कुछ और न्यू चीट कोड्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप 6677 को डायल करोगे तो आपके सामने JCB देखने को मिलेगी, एंड जैसे आप 888 और 0 डायल करोगे तो आपके सामने हमर कार देखने को मिले। मैं आपको स्पाइडरमैन के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आपको स्पाइडरमैन अपने गेम के अंदर ऐड करवाना है तो हमारी वीडियो के नीचे आपको अधिक से अधिक कमेंट करने होंगे, और आप जो भी बोलोगे डेवलपर इस गेम के अंदर आपको वही ऐड करके देंगे। तो आपको स्पाइडरमैन के लिए अधिक से अधिक कमेंट करने होंगे अगर आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर स्पाइडरमैन को ऐड करवाना है। अब मैं आपको आइसक्रीम शॉप के बारे में भी बता देता हूँ। तो अगर आपको आइसक्रीम शॉप के अलावा या अदर मार्केट को भी ऐड करवाना है तो आपको इस पर भी अधिक से अधिक कमेंट करने होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार के अपडेट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट हमें निशान जीटीआर कार देखने को मिलेंगी जो कि गेम के अंदर ऐड हो चुकी है, और सेकंड हमारे गेम के अंदर ZX10R का न्यू मॉडल देखने को मिलेगा, और थर्ड हमारे गेम के अंदर पुलिस बाइक या रॉकी बाइक की जगह एक बाइक को ऐड किया जाएगा, और न्यू KTM RC 300 देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ इस बार के अपडेट के अंदर हमें RGS टूल के अंदर बहुत बड़ा फीचर देखने को मिलेगा जो कि अभी डेवलपर ने हमारे से सीक्रेट रखा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का अपडेट इस मंथ के एंड में देखने को मिलेगा, और आपको